Namaskar. Hello, viewers. Welcome to another episode of Cultural Journey with Manushi, Sanskritik Safar Manushi ke saath. Aaj hamare saath maujood hain Bharat ki pratham santoor vadika, Dr. Varsha Agarwal ji. Hum bahut hi bhagyashali hain ki aaj wo apne santoor ke saath maujood hain aur hamare saath baatcheet karne ja rahe hain. आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनके सांस्कृतिक सफर पर चलते हैं. नमस्कार वर्षा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में. बहुत बहुत धन्यवाद मनोषी जी. आपका संतूर हमने ऐसे ही संतूर एक दुर्लभ वाद्य माना जाता है और उसके बाद फिर एक महिला का संतूर बजाना. आप हमें बताइए कि आपके इस सांगीतिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई. मनोषी जी, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि मेरा बचपन से ही बहुत मुझे म्यूज़िक का शौक़ था और जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो बहुत बड़े डॉक्टर थे. उनके कलाकार बनने की इच्छा का निरूपण उन्होंने मेरे ऊपर किया जी. उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप बेटा म्यूज़िक सीखोगे. मैंने कहा ज़रूर मैं सीखूंगी. चूंकि मैं झालावाड़ से हूँ, झालावाड़ कहने को छोटी जगह है परंतु वहाँ का बहुत महत्व है. बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है जी. बहुत हिस्टोरिकल तो उसका महत्व है और उसके साथ ही भारत रत्न पंडित रविशंकर जी का बाल्यकाल वहीं बीता है जी. क्योंकि उनके फादर वहाँ के स्टेट के दीवान थे. तो झालावाड़ की भूमि में ऐसा कुछ है कि वहाँ गुनीजन खाना था और वहाँ की भूमि में ऐसा है कि वहाँ म्यूज़िक बहुत लोग पसंद करते हैं जी, जी. मेरे ग्रैंडफादर ने कहा जब मुझे कि म्यूज़िक सीखोगी. मैंने कहा मैं ज़रूर सीखूंगी. तो उन्होंने मेरे सिखाने का इंतज़ाम किया और बहुत 6-7 साल की उम्र से ही मैं म्यूज़िक सीख रही हूँ. तो मेरे पहले जो गुरु रहे वो अभी नहीं है वो इस दुनिया में, पर श्री इलाही बख्श जी, वो गुनीजन खाने में वहाँ पर म्यूजिशियन थे. उन्होंने ही मुझे सारे गम पधनी सा आगे बढ़ना सिखाया. तो आपकी शुरुआत हुई वोकल से, आपकी शुरुआत गाने से हुई. जी जी, मेरी शुरुआत गाने से हुई और मैंने तबला भी सीखा है और तबले में मैंने MA भी किया है. मेरे उसके गुरु रहे हैं स्वर्गीय पंडित गिरधर लाल जी डांगी, जो दुर्गा प्रसाद जी कथक के भाई थे. वो मुझे अजमेर से तबला सिखाने, बहुत छोटी थी तब आते थे. मैंने बहुत बचपन में, पहले तो इतने ज़माने में TV वगैरह कुछ होते नहीं थे तो रेडियो हर आदमी रेगुलर सुनता था. बिल्कुल. मेरे ग्रैंडफादर मुझे रोज़ जो क्लासिकल म्यूज़िक का ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम आता था वो मुझे सुनाते थे. और जितने भी म्यूजिशियंस झालावाड़ स्टेट के समय से वहाँ पर थे और आते थे तो जो भी बीमार हो जाते थे तो सिर्फ दवाई लेने मेरे ग्रैंडफादर के पास आते थे. तो उनकी शर्त ये होती थी कि भाई मेरी जो ये ग्रैंडडॉटर है इसको कुछ संगीत क्लासिकल सुना के जाओ और आपके सारा इलाज आपका फ्री है. अच्छा. पूरी फैमिली का. जी जी. तो बचपन में भी मैंने बहुत बचपन से सुनती आ रही हूँ म्यूज़िक, वो मेरे जहन में घर कर गया. जब ऑल इंडिया रेडियो पर मैंने पहली बार एक साज की आवाज़ सुनी और इतनी मधुर और इतनी सुंदर, तो मैंने अपने ग्रैंडफादर से कहा कि मुझे तो यही सीखना है. उन्होंने कहा भाई ये सीखना है. तो बाद में जब अनाउंसमेंट सुना था तो अनाउंसमेंट था कि अभी आप पंडित भजन सोपुरी से संतूर सुन रहे हैं. जी जी जी. उस आवाज़ ने मुझे दीवाना बना दिया संतूर के लिए और मैंने अपने ग्रैंडफादर से कहा मुझे यही सीखना है. आपकी क्या उम्र थी उस वक्त? मैं होंगी कुछ 6-7 साल की उम्र, बच्ची थी, बहुत छोटी थी. और इतने छोटी जगह में हम लोग झालावाड़ में, मेरे ग्रैंडफादर ने कहा बेटा हम इतनी छोटी जगह रहते हैं यहाँ कैसे क्या होगा. मैंने कहा नहीं मुझे तो सीखना यही है क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी थी. फिर थोड़े से दिन बीते और मुझे गुरु मिले पंडित ललित महन जी. चूँकि उनका भी झालावाड़ से बहुत रिश्ता है, उनका ननिहाल झालावाड़ है. अच्छा. तो मुझे किसी ने बताया, मेरे ग्रैंडफादर को बताया कि भाई ये व्यक्ति आपको संतूर सिखा सकते हैं.
तो चूंकि उज्जैन मेरा ननिहाल है और पंडित जी भी वहीं हैं, तो हम लोग वहाँ आए और मेरे ग्रैंडफादर मुझे वहाँ लेके आए और मेरे ऐसे संतूर वादन की शुरुआत हुई। अच्छा, तो आपकी बिल्कुल पहली शिक्षा संतूर की पंडित ललित महंत जी से हुई? हाँ जी, पहली जी। मेरी संतूर की शिक्षा, वो तो महान तबला वादक हैं। हाँ जी, संतूर एक बहुत प्रचलित वाद्य नहीं हुआ करता था, मगर बाद में कश्मीर का वाद्य है हम जानते हैं, मगर बाद में पंडित भजन सोपोरी जी या फिर पंडित शिव कुमार शर्मा जी, इन्होंने इस वाद्य को बहुत ही प्रचलित कर दिया। हाँ जी। आप इस वाद्य के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक दुर्लभ वाद्य है, बहुत प्रचलित नहीं था, तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, जबकि हम जानते हैं कि सितार के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं शायद संतूर से, आप थोड़ा सा इसके टेक्निकलिटीज़ के बारे में अगर बताएं कि कैसे ये बजाया जाता है, इसमें क्या होता है, कितने तार होते हैं, तो फिर, और आपका संतूर कुछ अलग है, आप जैसा बता रही थी पहले कि कुछ विशेष है, तो अपने संतूर के बारे में भी बताइए। मैं आपको संतूर के बारे में थोड़ा सा पहले ये बताऊं कि जो ये जो साज़ है जो मैं बजा रही हूँ, ये आम संतूर से बहुत डिफरेंट है। वो कैसे जी? कि संतूर का वैसे नाम है शततंत्री वीणा। अच्छा। उसको कहा जाता है शततंत्री वीणा, यानी सोतार की वीणा जी। परंतु मेरे गुरु पंडित भजन सोपुरी साहब ने इसमें बहुत मॉडिफिकेशन करके और इसमें काफ़ी ब्रिजेस बढ़ाए हैं, तारों की संख्या को बढ़ाया है, इसमें चिकारी बढ़ाई है, इसमें गमक बचती है, इसमें तरबे हैं और इसमें ग्लाइड्स का बहुत प्रयोग है। अच्छा। और जो मैं संतूर हम जिस चीज़ से बजाते हैं, ऐसे जनरली भाषा में लोग स्टिक कहते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल नाम है कलम। कलम, कलम ये कश्मीरी रोज़ की लकड़ी से बनाई जाती है। अच्छा, कलम जी। और ये जो साज है अखरोट की लकड़ी से बना। अच्छा। तो ये जो साज़ है, इसके सबसे बड़ी खूबी यह है इस साज़ की, इसमें इतने मॉडिफिकेशन किए हैं कि इसमें तीनों सप्तक का गाना बजाना होता है। अच्छा। तंत्रकारी अंग तीनों सप्तक का होता है और उसके साथ इसमें गमक मींड का प्रयोग जो आम संतूर वादक इसमें नहीं करते हैं, ये सिर्फ हमारे घराने में ही इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। और मेरे गुरु पंडित भजन सोपुरी साहब इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं जी। साथ ही इसमें तंत्रकारी अंग भी हम बजाते हैं और गायकी अंग का भी प्रयोग करते हैं। मैं आपको कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि हम किस तरह से हम लोग बड़ी स्टिक का यूज़ करते हैं मींड और ग्लाइड्स के लिए। अच्छा। फिर हम लोग इसमें छोटी कलमों का यूज़ करते हैं। अच्छा।
वर्षा जी, आप सूफियाना घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, तो सूफियाना घराना सुना नहीं मैंने कभी, तो आप ज़रा बताएंगे सूफियाना घराना संतूर से ताल्लुक़ है? वैसे तो हम पंजाब घराना, दिल्ली घराना, बनारस घराना सब सुनते हैं, किराना घराना, मगर सूफियाना घराना बहुत सुनाई में नहीं देता। क्या वजह है और क्या है? एक्चुअली पंजाब घराना, बनारस घराना, पंजाब घराना, बनारस घराना, अजराड़ा घराना, तो ये कुछ तबले के घराने हैं जी। गाने के घराने हैं दिल्ली घराना, आगरा घराना, और जैसे किराना हाँ घराना किराना आदि घराना जी। है, तो इस तरह घराने। लेकिन संतूर का सिर्फ एक ही घराना है, वो है सूफियाना घराना। अच्छा जी, अच्छा। और कश्मीर का ये सूफियाना घराना सबसे, मतलब जिसको कहते हैं ना, मोहरबंद घराना है। अच्छा। और मेरे गुरुजी पंडित भजन सोपरी साहब 7वीं जनरेशन के संतूर वादक हैं, सूफियाना घराने के। उनके 7 पुश्तों से संतूर बजा संतूर है। बज रहे हैं जी। और 8वीं पीढ़ी में मैं और उनके बेटे अच्छा जी श्री अभय सोपुरी, जी इस जी समय बहुत अच्छा संतूर बजा रहे हैं, मैं बजा रही हूँ और उनके काफ़ी कुछ शिष्य बजा रहे हैं। तो सूफियाना घराने की सबसे बड़ी खासियत है कि ईश्वर से लो लगाने के लिए बजाया जाता है, बिल्कुल, नाम से ही। नाम से ही। क्योंकि सूफियाना वही व्यक्ति हो सकता है जो सफ़ेद कपड़े पहने, बड़े मुलायम से कपड़े पहने, और अपना सारा संगीत ईश्वर को समर्पित कर दे, ईश्वर के साथ लो लगा दे। तो ये जो संतूर है, संतूर के मॉडिफिकेशंस हैं, और इसमें जो ग्लाइड्स, मींट मींट का प्रयोग है, इसमें गमक का प्रयोग है, ये आदमी को एक कहाँ एक ऐसी जगह ले जाके छोड़ देता है जहाँ उसको वो अपने उसमें अपनी धुन में विचरण करने लगता है और ईश्वर से एकाकार उसका हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सूफियाना घराने की बहुत बड़ी खासियत है। जब ऑडियंस भी सुनती है तो मैस्मराइज हो जाती है, और उसमें है ही ऐसी चीज़। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप जब बात कर रही हैं संतूर की, तो आपके गुरुओं के बारे में, आप जैसे भजन सोपुरी जी के बारे में बता रही हैं, तो आपकी उनसे मुलाकात कैसे हुई? आपने तो बताया कि आप बचपन में उनका जब आपने सुना था तो आपको बहुत लगा था कि आप उनसे जी सीखेंगी, जी तो फिर आपकी उनसे मुलाकात कैसे हुई और उनके साथ आपका सान्निध्य, उनके बारे में थोड़ा बताइए हमें कि आपके साथ का जो बंधन है, जो गुरु शिष्य का, जी उसके बारे में। मेरी संतूर की शुरुआत तो मेरे गुरु महंत जी आदरणीय से पंडित ललित महंत जी के साथ हुई। जी। उन्होंने मुझे गाना सिखाया, तबला भी सिखाया। जी। क्योंकि संतूर वही अच्छा बजा सकता है जिसको गायन का ज्ञान हो और तबले का भी ज्ञान हो, क्योंकि उसमें दोनों अंग को आपको पकड़ना है। आप यदि बहुत अच्छा आपको सुर नहीं समझता तो आप इसको ट्यून ही नहीं कर सकते, क्योंकि 112 तारों का सिंक्रोनाइजेशन ऐसा है जैसे एक ही बार में 112 बच्चों को मांस मार ले। क्या बात कही आपने जी। तो इस तरह से जब मैं पहली बार जब उज्जैन सीखने आई थी, तो मेरे गुरु पंडित ललित महंत साहब ने कहा कि पहले तुम्हें गाना सीखना होगा, तबला सीखना होगा, तब मैं तुम्हें संतूर सिखाऊंगा। तो मैंने गाना तबला उन्हीं से सीखा, और मेरी शुरुआत जो झालावाड़ में हुई थी, उसके बाद मैंने यहाँ सीखा। और उसके बाद चूँकि गाना और तबले का नॉलेज संतूर में बहुत काम देता है, और जब मैं संतूर सीख कर बजा रही थी, तब एक दिन जीवन का ऐसा मोड आया कि एक मेरी दोस्त हैं बहुत अच्छी, उन्होंने कहा कि मैं पंडित भजन सोपरी साहब मेरे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं और मैं उनसे मिलती रहती हूँ, वो भी संतूर बजाते हैं। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। वो हमारे घर आई थी तो मेरे गुरु पंडित ललित महंत जी ने कहा कि ज़रूर बिल्कुल हम उनसे जाकर मुलाकात करेंगे। तो ऐसे हम पंडित जी से मुलाकात हुई, अचानक मुलाकात हुई, और जब उन्होंने अपना संतूर सुनाया, मेरा संतूर भी उन्होंने सुना, तो उन्होंने महंत जी को कहा कि पंडित जी इस बच्ची को तो मैं भी सिखाऊंगा, ये बड़ी टैलेंटेड है। तो महंत जी सहर्ष एकदम उन्होंने कहा कि बिल्कुल पंडित जी, ये आपकी भी बच्ची है, मेरी क्या बच्ची है, आपकी भी बच्ची है, आप इसको सिखाइए। और वो दिन पहला दिन था कि जैसे बच्चे को कहते हैं ना कि चंद्रमा मिल गया तो बड़ा खुश होता है, क्योंकि मैंने उनका सुना था संतूर, लेकिन वो मेरे जहन में तब तो मेरे पास बहुत छोटी सी सोच थी एक संतूर को लेकर। और उसके बाद जब मैं मुझे उनका शिष्य पंडित ललित महन जी ने ही बनाया, आज भी मैं दोनों से ही अपना ज्ञान का अर्जन करती हूँ। हालांकि दोनों ही बहुत ही गुणी हैं आर्टिस्ट, लेकिन मेरे दिमाग और मेरा जितना जहन ले सकता है उतना मैं लेती हूँ,
ज्ञान उनसे ले पाती हूँ, उनके पास तो ज्ञान के भंडार हैं। जी और ऐसे फिर मुझे पंडित भजन सोपुरी जी की गंडाबंदी शिष्या बनाया, एक बहुत बड़ा सेरेमनी हुआ और उसमें मैं पंडित जी की शिष्या बनी और ऐसे मेरे संतूर की शुरुआत हुई। फिर उन्होंने संतूर की जो सूफियाना घराने की टेक्निकलिटीज थी वो सब मेरे हाथ में डाली और मैंने उसको ग्रास्प किया और ऐसे सफर चल रही है। आप इनकी जी बिल्कुल आप डॉक्टरेट हैं, आपने पीएचडी की हुई है और मेरी जिज्ञासा, मेरे ख्याल से मेरे सारे दर्शकों की हमारी जिज्ञासा यही है कि डॉक्टरेट पीएचडी किस में? जी मैंने म्यूज़िक में पीएचडी की और स्पेशली गाने में जी, क्योंकि गायन की मैं प्रोफेसर हूँ, मैं उज्जैन के गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज में गायन की प्रोफेसर हूँ, गायन की प्रोफेसर है और गायन ही सब्जेक्ट वहाँ पर सिखाती हूँ। मेरे अंडर काफ़ी छात्राएं रिसर्च की है और कई प्रोफेसर्स ने मेरे अंडर पीएचडी की है, अभी भी कुछ लोग, काफ़ी लोग मेरे अंडर पीएचडी कर रहे हैं। मैंने गायन के जिस विषय पर पीएचडी की है वो बहुत सुंदर विषय है, क्योंकि मेरा जिस मिट्टी में जन्म हुआ, जहाँ मैं खेली पली बड़ी, वो है राजस्थान की भूमि और झालावाड़ का एक स्पेशल प्रोविंस है जिसे कहते हैं हाड़ोती। हाड़ोती का मतलब है कोटा बूंदी और झालावाड़, इन तीनों जिलों को मिलाकर हाड़ोती माना जाता है। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि हाड़ोती पर ही मैं कुछ ना कुछ काम करूँ, मेरा ऋण है वहाँ से, तो मैं करूँ शोध कार्य करूँ। मेरी इस इच्छा को, इस बलवती इच्छा को पूरा करने में मेरे गुरु पंडित ललित महन जी ने पूरा योगदान दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल तुम्हें करना चाहिए। फिर हमने कुछ सब्जेक्ट सोचा और हाड़ोती की लोक गाथाओं की गायन परंपरा, इस विषय पर मैंने पीएचडी की। बहुत सुंदर सुंदर लोक गाथाएं देखने सुनने को मिली जो मैंने बचपन में जिनके नाम सुने थे, लेकिन मैंने गांव जा जाकर और उन लोक गाथाओं को रिकॉर्ड किया, उनके नोटेशंस किए, सारे लोगों से मिली। ये मेरा सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट था कि जिस पर कोई किताबी लिखा हुआ कुछ नहीं था, सारा मैंने जाकर गांव जाके सारा एक एक चीज़ को मैंने रिकॉर्ड किया और उसको फिर मैंने नोटेशन किया और उसका पीएचडी का हिस्सा वो बने। तो आपके इतने सारे जो काम हो रहे हैं इसके पीछे परिवार का हाथ, आप अपने परिवार के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मैं अपने दादा दादी की बहुत लाडली थी जी। उसके बाद मेरे माता पिता, उन्होंने बहुत प्यार किया, मेरे फादर भी चिकित्सक थे बिल्कुल, और तो मेरी माँ ने बहुत योगदान दिया। और चूंकि मैं एक बनिया फैमिली से हूँ, तो बनिया फैमिली तो बहुत जल्दी शादी ब्याह कर देते हैं जी जी। मेरे भी जीवन में ऐसा दौर आया कि मेरे घर वाले सब पीछे पड़े, सब रिश्तेदार कहते थे भाई संगीत ही करती रहेगी, शादी नहीं करनी है क्या लेकिन मेरे इन उड़ने की क्षमताओं को मेरी माँ ने नहीं बांधा और मुझे इस संगीत के लोक में विचरण करने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत उनके आभारी हूँ जी जी जी। और घर का मुझे पूरा सपोर्ट मिला, वरना ये मंजिल पाना बहुत कठिन होता बिल्कुल। इसके साथ ही जब मैं उज्जैन में आई तो मेरे लोकल गार्जियन पंडित ललित महन जी हैं, वो और उनकी वाइफ जी, दोनों ने मुझे एक जैसे छोटे से बच्चे को, छोटे से पौधे को ट्री गार्ड लगा के बड़ा करते ना, ऐसा मुझे बड़ा किया और वैसे मेरी शिक्षा हुई। आज भी मैं कहती हूँ कि इन लोगों का ऋण तो मैं कभी जीवन में चुकाना पाऊंगी जी जी। गुरु और गुरु माँ, गुरु गुरु गुरु, इनका कभी भी मैं ऋण चुका नहीं पाऊंगी। चूंकि आज भी मैं कॉलेज में नौकरी करती हूँ, 26 साल मुझे कॉलेज में नौकरी करते हुए हो गया, लेकिन जब जाती हूँ तो हाथ में मुझे टिफिन और बॉटल पकड़ाती हैं क्या बात है जी जी। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप तो खुद सिखाती हैं, कैसे सिखाती हैं संतूर आज के इस दौर में? आप क्या देखती हैं कि कितनी महिलाएं आगे आ रही हैं संतूर सीखने के लिए? क्या एक बड़ी संख्या में आ रही हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी भी काफ़ी वक्त है लोगों को संतूर पकड़ने में? नहीं, अभी तो काफ़ी महिलाएं आगे आ रही हैं संतूर सीखने के लिए, मेरे से भी काफ़ी लड़कियां संतूर सीख रही हैं। और स्पेशली मेरा मोटो भी यही है कि मेरा संतूर सीखने के पीछे एक उद्देश्य था कि हर चीज़ में पुरुषों का एकाधिकार क्यों जी। तो मैंने तबला भी इसीलिए सीखा, मुझे राजस्थान की पहली महिला तबला वादिका का खिताब मिला था, परंतु मैंने सोचा कि गाना और तबला इससे भी आगे एक चीज़ है, एक जहाँ है जहाँ मुझे जाना है, वो मुझे ले जा सकता है संतूर, वहाँ से मैं तृप्त हो सकती हूँ। तो संतूर के साथ मेरा बहुत एक लंबा सफ़र रहा और यूँ कहें कि संतूर मेरा सब कुछ है। जब शुरू में मेरे को महन जी ने सिखाना, मेरे गुरु जी ने सिखाना शुरू किया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम
बनिया घर की लड़की हो और ये थोड़ा मतलब मेरी भी बहुत एनर्जी और समय जाएगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा और जल्दी से शादी ब्याह हो जाएगी। तो मैंने उनको एक पत्र लिखा था, बहुत छोटी थी मैं, और मैंने उसमें लिखा था कि आज से संतूरी मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरा पति है और मेरे बच्चे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो संतूरी सीखना है, सीखना मुझे यही साज है, आप चाहे कितने भी बहाने बना लो। आखिर मेरी जिद के आगे महान जी को झुकना पड़ा और मुझे संतूर सिखाना उन्होंने शुरू किया। तो अभी खूब महिलाएं सीख रही हैं, मुझसे तो काफ़ी फॉरेनर्स और सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, और इंडिया में भी काफ़ी लड़कियां सीख रही हैं, और मेरी गुरु जी की जो शिष्य परंपरा है उसमें भी काफ़ी लड़कियां संतूर सीख रही हैं। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये कि आपका संदेश क्या होगा हमारे युवा दर्शकों के लिए, आज के समाज के लिए? इतने ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स होते हैं आप देख रही हैं टीवी पर, और इतने जो रियलिटी शोज़ होते हैं, आपका उनके बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए, ये जो एक्सपोजर हो रहा है क्या ये सही हो रहा है? रियलिटी शोज़ के बारे में तो मैं आपको मनुष्य जी कहूँगी कि उसमें तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने कब जन्म लिया और कब रियाज किया जी, होगा जी। और उन्होंने ईश्वर ने उनको तो बहुत ही संगीत दे के भेजा है जी। तो ऐसे शो ज़रूर होने चाहिए, मेरा तो ऐसा मत है कि होना चाहिए जी। क्योंकि एक बच्चों में एक जागृति पैदा होती है, वो देखने के बाद बच्चों का मन होता है कि हम भी गाना सीखें, बाकी जो आम जन है उन्हें भी लगता है कि हम भी म्यूज़िक सीखें। और मेरी नज़र में यह है कि जैसे हमारे कहा जाता है ना कि हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है, लेकिन छठा तत्व है संगीत। पांच तत्वों से तो बना है, लेकिन उसमें जो अंदर उसकी आत्मा को जो तृप्त करने का साधन है वो संगीत है जी। उसके बिना मनुष्य अधूरा है। और मेरे गुरु पंडित ललित महंत जी ने एक कविता बड़ी सुंदर लिखी है, और वो लिखी है मेरे गुरु पंडित भजन सोपुरी जी के लिए। कविता में एक एक शब्द सार्थक है, और उसको मैंने अपने जीवन का ध्येय उद्देश्य बनाया है। उसमें उन्होंने संगीत के सात स्वरों के बारे में बोला है, तो वो सात स्वरों का क्या महत्व है जीवन में। सा साधो मन, सा को हम कहते हैं ना साधो मन, रे रब को जान, गंधार गमन कर मध्यम मन को साध, पंचम परमेश्वर भजन करत ध्यान धरत धैवत को। क्या बात है, इसमें मेरे गुरु जी का भी नाम आया है। सा साधो मन रे रब को जान, गंधार गमन कर मध्यम मन को साध, पंचम परमेश्वर भजन करत ध्यान धरत धैवत को, नी निश दिन संत भयो संतूर अखिल विश्व जगाने को, सो तार सो पुर के तिमिर मिटाने को। सा साधो मन रे रब को जान, गंधार गमन कर मध्यम मन को साध, और पंचम परमेश्वर भजन करत ध्यान धरत धैवत को, नी निश दिन संत भयो संतूर अखिल विश्व जगाने को। तो मैंने अपने जीवन में सब सुरों का ऐसे ही महत्व जाना है जी। आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, मैं जब देख रही थी आपका बायरेरा तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, और सबसे जो अभी आपको मिला है 2018 में हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आपको जो अवार्ड दिया है उसके बारे में हमें बताइए। कोविंद जी के हाथों से वो अवार्ड ग्रहण करना कि आप प्रथम महिला हैं संतूर वादिका, इसके बारे में बताइए। क्या आपको पता था या पता चला, कैसे पता चला? अचानक मुझे फ़ोन आया कि आपको एक अवार्ड के लिए भारत सरकार द्वारा एक अवार्ड दिया जा रहा है, गवर्नमेंट अवार्ड है। तो मुझे लगा कि कहीं कोई यूं ही मजाक तो नहीं कर रहा है, तो फिर दो क्षण बाद ही मुझे लगा कि चलिए कुछ आया है, अच्छी बात है। फिर पाँच मिनट बाद वापस फ़ोन आया कि वर्षा जी आप अपना बायोडाटा भेजिए जल्दी से, हमें सारे ब्रोशर्स कॉफ़ी टेबल बुक्स बनानी ये करना है। मैं कहा भाई क्या है, माजरा क्या है, मुझे बताया जाए। तो उन्होंने कहा कि चूँकि आप भारत की पहली महिला संतूर वादिका हैं, और साथ ही ऐसी संतूर वादिका कि जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर विश्व के अनेकानेक देशों में अपने संतूर वादन से भारत का नाम रोशन किया है, तो आपको महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में फर्स्ट लेडी अवार्ड आपको दिया जाएगा। और जब वो मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और
मतलब ऐसा लगा कि एक आदमी के जीवन का मन में कल्पना होती है कि राष्ट्रपति पुरस्कार मुझे मिले. बिल्कुल, राष्ट्रपति. और मैं तो कहूँगी कि क्योंकि फर्स्ट लेडी पुरस्कार संतूर में अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार है. बहुत बड़ा पुरस्कार है क्योंकि फर्स्ट लेडी तो एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती. तो मुझे लगा कि मेरे गुरु, मेरे माता पिता और सबके आशीर्वाद से मुझे ये पुरस्कार मिला है. और मैं बहुत खुश थी जब पुरस्कार लेने गए तो वहाँ हर फील्ड की महिला जो अपने फील्ड की प्रथम है और जिसने जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है, उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन भी थी, उसमें बचेंद्री पाल थी, उसमें पहली फाइटर प्लेन उड़ाने वाली थी, ऐसी 112 महिलाओं से रूबरू होने का मौका भी राष्ट्रपति भवन में मिला. और बहुत ही रोमांचक क्षण थे मेरे जीवन के. बिल्कुल. इस अवार्ड को लेके बहुत मैं उत्साहित रही, बहुत उत्साहित रही हूँ. और इसके साथ साथ मेरे साथ मेरे जीवन में कई लोगों ने मेरे मेरी प्रगति के लिए बहुत कुछ किया है. उसमें एक मेरे भाई हैं आशीष शर्मा. हाँ जी. उन्होंने मेरे जीवन में मेरी हर उपलब्धि में वो रहते हैं. वो इस समय भारत के बहुत सीनियर ITS हैं. अच्छा जी. और मैं अपने परिवार के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरे परिवार में मेरा एक भाई है जो DIOS है और मेरी एक छोटी बहन है, वो चंडीगढ़ में है. अच्छा. उनका नाम मेघा अग्रवाल है और शी इज़ मैरिड नाउ. उसके दो बच्चे हैं, वो भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं. अच्छा जी. और वो बहुत अच्छी म्यूज़िक की क्लासेस वहाँ लेती हैं और बहुत अच्छा गाना गाती हैं और राजस्थानी फोक बहुत अच्छा गाती हैं. और मेरे जो भाई हैं उनका नाम बादल अग्रवाल है. अच्छा. और पूरे परिवार का सहयोग रहा मुझे. और मेरी जो दोनों गुरु हैं उनका तो सहयोग दिया ही उन्होंने मुझे, पुत्रीवत सिखाया. और दोनों मेरी गुरु माँ, एक श्रीमती निर्मला महान जी और एक डॉक्टर अपर्णा सोपुरी जी, पंडित भजन सोपुरी जी की वाइफ, दोनों ने मुझे जिस ममत्व से सीखने के सरंजाम जमाए वो भी मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है. इन लोगों को तो मैं क्या कहूँ, मैं जब भी इंटरव्यू करती हूँ किसी भी चैनल के साथ या आप जैसे इतने सब सुरीले लोगों के साथ मेरा इंटरव्यू होता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उन लोगों का आभार प्रकट करना तो जैसे सूर्य को दीपक दिखाना है मुझे. क्या बात. बिल्कुल. आप जैसे शिष्या भी मिली हैं उनको, ये भी गुरु, जैसे कहते हैं कि सिर्फ शिष्य को ही गुरु की तलाश नहीं होती है, गुरु को भी ऐसे ही शिष्या या शिष्य की तलाश होती है. तो ये बात भी है. आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा कुछ अगर बजा के बताएं और बजा के सुनाएं तो हम सब के लिए तो बहुत ही भाग्य की बात होगी. जरूर. तो थोड़ा सा अगर आप हमें कुछ सुनाएं. जी बिल्कुल. आज मैं सभी श्रोताओं के लिए राग किरवानी में द्रुतगत प्रस्तुत कर रही हूँ. और मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे गुरु पंडित ललित महन साहब तबले पर संतूर का साथ दे रहे हैं. जनरली हम जो प्रोग्राम बजाते हैं उसमें संतूर तबला जुगलबंदी हमारा कॉन्सर्ट होता है. तो प्रस्तुत है किरवानी में द्रुतगत.
और इसी के साथ आज हम समाप्त करते हैं सांस्कृतिक सफ़र मानवशी के साथ की यह कड़ी. एंड वी विल सी यू अगेन इन अनदर एपिसोड ऑफ कल्चरल जर्नी विद मानवशी नेक्स्ट टाइम वेरी सून. नमस्कार.